अस्सलामुअलैकुम। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, तो जब भी मेरी कोई नई वीडियो आएगी आपको पता चल जाएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, आज आपके साथ शेयर करेंगे चटकारा बोटी कबाब रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनती है। इसके लिए हम चिकन धुल के रख लिए हैं पहले से। आधा किलो चिकन है, उसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, फिर हरा मिर्चा डालेंगे, 2 पिसा हुआ 2 चम्मच टेबल, फिर 2 चम्मच के करीब जाएगी दही जाएगी। एक चम्मच के करीब ज़ीरा पाउडर जाएगा और 1 चम्मच के करीब गरम मसाला जाएगा, 1 चम्मच के करीब चाट मसाला जाएगा और इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी जाएगी, फिर इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक और फिर कलर जाएगा, इसमें फूड कलर है, फिर थोड़ा सा मक्खन डाल दें, फिर अच्छे से सबको हमें मिक्स कर लेना सारे मसाले को। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से सब मसाला मिक्स हो जाए। फिर इसमें हम चिकन डालेंगे जो धुल के रखे हैं। आधा किलो चिकन है, मतलब ये बोटी हुई है, बोनलेस बोटी है। ये देखिए, और इसको अच्छे से हाथ से मिक्स कर देंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है, बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना मसाला एक दूसरे के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से चले जाए। ये बस मिक्स हो गया है तो हम बस एक स्क्यूबर लेंगे, अभी स्क्यूबर में डालेंगे अच्छे से उसको इस तरीके से। ये देखिए ऐसे करके हमें सारा कर लेना है, एक एक करके डालना है हमको, बहुत ही इजी तरीके से चला जाता है। इसी तरीके से हमको सारा कर लेना है। इसी तरीके से सारा कर लीजिएगा। फिर ये देखिए हो गया है, 1 घंटे के लिए इसको हम छोड़ देंगे। फिर एक पैन लेंगे, पैन में थोड़ा सा तेल डालेंगे, तेल गरम हो जाएगा। फिर ये देखिए तेल अच्छे से डाल चुके हैं, बस इतना डाल दिए चिकन अच्छे से हो जाए। बस इसमें हम चिकन को डाल देंगे एक एक करके। ये देखिए बहुत ही इजी है, बहुत ही टेस्टी बनता है, इसको ज़रूर ट्राई करिए एक बार घर में। बस ये देख रहे हैं अच्छे से पक रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। एक तरफ हो चुका है, अब दूसरी तरफ पलटेंगे हम। इसको थोड़ी देर के लिए हाई फ्लेम पे रखिएगा, फिर उसके बाद 2-3 मिनट के बाद लो फ्लेम कर लीजिए। हाई फ्लेम पे रहेगा तो जल जाएगा, इसलिए थोड़ा सा लो फ्लेम पे रखिएगा उसके बाद, क्योंकि अंदर से अच्छा से कुक भी हो जाए। ये देखिए हमारा डन हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त दिख रहा है और लाजवाब है खाने में। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा अपने घर में, और जैसे बाहर खाते हैं उससे कहीं ज़्यादा घर पे टेस्टी बनता है। ये देखिए दूसरी तरफ भी टर्न कर रहे हो, दूसरी तरफ का भी हो गया है। बस इसको ज़रूर ट्राई करिए, फिर मिलते हैं। नए हैं तो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।